जी नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कपूर। आइए जानते हैं 13 अक्टूबर 2017 का राशिफल आप सबके लिए क्या कहता है। मेष राशि वाले अगर कामकाज से जुड़े दबाव को संभाल लेंगे तो निजी जीवन में सुख बना रहेगा। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस सुख में कमी आती चली जा रही है, इसलिए उस दबाव को तो संभालना ही पड़ेगा। अगर जिंदगी की खुशियां बनाए रखनी है तो अपने काम से जुड़ी चुनौतियों को तो समझना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वालों को अपनी अच्छी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अपने अंदर भरोसा जगाए रखेंगे तो कामकाज को आगे बढ़ाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के अंदर कुछ इस तरह का भरोसा बनता चला जा रहा है कि आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं रहे। यही कारण है कि आपके आसपास की परिस्थितियाँ कठिन होती चली जा रही। कर्क राशि वालों को खुद पर भरोसा करना होगा, रिश्तों को संभालना भी आसान हो जाएगा। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में काम में अपनी लगन और मेहनत को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। सिंह राशि वालों की अपनी गलतियों का असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर आ सकता है। अगर जल्दबाजी में कोई फैसला करेंगे तो आप लोगों को नाराज करते चले जाएंगे। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जा रही है, इसलिए आपकी मेहनत कम हो रही है। इसी वजह से आपके बढ़ते हुए खर्चों का असर आपके पैसे की स्थिति पर आ सकता है। तुला राशि वालों के कामकाज की स्थिति अच्छी बनी रहेगी तो पैसे का आगमन भी बना रहेगा। ये इस समय की अच्छाई है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली हालात बने हुए हैं जो आपको जिंदगी में एक नई उमंग दे सकते हैं। इसी वजह से आपके अंदर एक ऐसी प्रेरणा जगी हुई है जो आपको कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ा है। धनु राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो आपके पैसे से जुड़े फैसले गलत होते चले जाएंगे। वैसे भी आपको लोगों पर भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी। मकर राशि वालों के लिए लोगों की अच्छाई को समझने का और परखने का समय है, इसलिए मन की परेशानियों को हटाकर लोगों पर भरोसा भी किया जा सकता है। कुंभ राशि वाले अगर मन परेशान कर लेंगे तो कामकाज में भी बदलाव की इच्छा बनी रहेगी और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें आप अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, इसलिए कोई भी फैसला ध्यानपूर्वक लेना होगा। मीन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है जिसके चलते आपका मन बहुत भटक रहा है, यहाँ तक के पैसे से जुड़े फैसले भी आप सही रूप से कर नहीं पा रहे। ये था जी आप सबका राशिफल। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर हाजिर होऊंगा आपका दैनिक राशिफल लेके अगले एपिसोड में। नमस्कार।